मेरी जान, सुबह सुबह 6 बजे निकल गए अपन, क्या बोले तो भूख लग रही थी। इधर के गलियां उधर के गलियां मानने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली कहाँ जाना है मेरे को मालूम था। आसिफ नगर मल्लापल्ली कने लिंगैया टिफिन की इडली वर्ल्ड फेमस है, अभी होना है वर्ल्ड में, लेकिन हैदराबाद में तो फेमस है। कहीं को बोले तो गरम गरम इडली वर्किंग, गरम गरम वड़ा देते, ना सांभर मिलता ना कुछ, खाली एक लाल चटनी मिलती जो कि आखिरी स्पाइसी रहती। वो सुबह में इंसान खाया है तो एकदम जग जाता। अपन क्या है, गरम गरम इडली ले ली 35 रुपीज ओनली। दो ही चीज़ा मिलते हैं यहाँ पे, या तो इडली मिलती या तो वड़ा मिलता। ऐसी पब्लिक है भाई, अभी उन्हें लाया ही नहीं कुछ भी, 15 लोग खड़े हुए भाई हमारे को इडली दो वो खाना है बोले। चलो भाई बिस्मिल्लाह भाई, पूरे पैसे बोल रहा हूँ मैं आपको। ये चटनी के फल्ली कोबरे की चटनी है, गाढ़ी चटनी है, स्पाइसी चटनी है, गले पे मार रही, बहुत मजे। कभी भी आए ना आपको गरम गरम मिलता। कहीं को बोले तो जितनी पब्लिक खड़ी हुई है ना, उन्हें उसके हिसाब से इडली आते की देके बना देता, वड़ा आते की देके बढ़ा देता, तो तकरीबन लोगों को गरम गरम मिलती। अब अपन वड़ा खाएंगे, वड़ा जो कि यहाँ पे फ्रेश, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से प्यारा जाएगा, बहुत बेहतरीन है वड़ा। मैं बोलता हूँ अगर सांभर रहता था तो और जबरदस्त हो जाता था, क्योंकि वड़े पहले से ही क्रिस्पी रहते, और चटनी क्या है मालूम, ऊपर ऊपर लगती, सांभर फिर भी गया है पूरा सोख लेता था। गरम गरम मसला है, स्पाइसी खाने वाले लोगों के लिए रोना नहीं लोगा कि भाई अरे इतनी मिर्ची की खाना है, गाढ़ी चटनी खाना है, बोले तो यहाँ आना है, नहीं तो आप अपनी जगह पे जिधर खाते हो वहाँ पे चलो। ये हो गया नेक्स्ट, चलो कांच गा दो। भाई लिंगैया से 3-4 कदम दूरी बोल रहा हूँ मैं, एक ऐसी जगह है जिधर सुबह सुबह बड़ी लाइन लगती। कहीं को बोले तो यहाँ पे इरखान जो कि जॉइंडस है उसका कुछ इलाज मिलता समझो, वो इलाज के लिए लोग खड़े, और वो इलाज में भी एक ऐसी चीज़ है जो कि शुगर केन जूस विदाउट एनी मिक्सिंग वाला पिए तो भी आपको वो जॉइंडस क्योर होता बोल के, वो है अपने को तो नहीं मालूम, लेकिन लोग यहाँ पे खड़ते। अपन क्या है, भूखे लोग हैं, दिख गया अपने को एक जबरदस्त शुगर केन जूस, वो भी एकदम डार्क है, कहीं को बोले तो जीरो मिक्सिंग का है, वो पी लेंगे अपन 20 रुपए में ओनली, सुबह सुबह, ठंडा भी नहीं है। जबरदस्त है उस्ताद, विदाउट एनी मिक्सिंग कैसा रहता वैसा है, अच्छा है, मीठा है, ठंडा नहीं है। अगर ठंडा रहता तो और मजा आता, लेकिन ठंडा हुआ बोले तो मिक्सिंग हो जाती, क्यों, क्योंकि उसमें आइस डालना पड़ता। चलो थैंक्स। भैया देखो अपन लोग क्या है मालूम, सुबह सुबह की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, 6-7 बजे के बीच में बोल रहा हूँ, मेहदीपट्टनम चौरस्ते पे एकदम बेहतरीन मटन की रवसदार तहारी मिलती। खासियत यहाँ की क्या है मैं बोल रहा हूँ आपको, हड्डियों का एक सूप मिलता, नहारी बेसिकली, वो डाल के खा सकते आप। वो शोरबे का एक अलग फ्लेवर रहता, तहारी का एक अलग फ्लेवर रहता, वो मज़ेदार गोशों का एक अलग फ्लेवर रहता, आखिरी बेहतरीन रहता। मैं बिस्मिल्लाह बोल के खाने वाला हूँ अब, कितने क्या मालूम, 110 रुपीज में प्लेट है, 90 रुपीज में सिंगल। चलो खाली साबित खा के देखेंगे अपन। बिस्मिल्लाह। तहारी चावल ओवरऑल बेहतरीन है, टेक्सचर्स एंड ऑल फ्लेवर्स भी। टमाटे की अपने को ज़्यादा खटास की ज़रूरत रहती ना, क्योंकि अपन तहारी को टमाटे से एसोसिएट करते, इसमें वो टमाटे का फ्लेवर कम है, लेकिन ओवरऑल जो फ्लेवर है ना है ज़बरदस्त। इसको 4 चांद बनाने के लिए ये जो बड़े के हड्डियों का जो शोरबा है, नहारी का सूप का, वो डाल के खाने से एक अलग लेवल की चिकनाहट तो आती जाती, लेकिन उसका फ्लेवर भी आया था। क्या करेंगे अपन, मिक्स कर लेंगे, गोश्त मिक्स कर लेंगे, अच्छा खासा रवस है, नरम है, मुलायम बोलते हैं आप, वो करके आ जाओ। अपन हर जगह खाए हुए तहारी, कहीं दही मिलता, कहीं सालन मिलता, कहीं कुछ मिलता, क्या कुछ। इधर ये शोरबा जो जान डाल रहा, कहीं को बोले तो वो हड्डियों का पूरा जूस, बोन मैरो खासतौर से गुद जिसको बोलते, वो भी अंदर उतर के 4 चांद लगा जा रहा, जबरदस्त। कैसा भी आप आगे, नसीब होटल है, नसीब होटल कल्याणी बिरयानी, एकदम खाजा गुलशन को चिपक के है। सुबह के 6 बजे मतलब फजर के बाद मिलना शुरू हो जाती भाई, 6-6:30 कभी कभी होता, लेकिन सुबह सुबह मिलती आप। ये हो गया नेक्स्ट, क्या देखिए इतनी जबरदस्त अपन तहारी खा लिए बाद शाही होना जरूरी रहता, इसीलिए अल करीम को आ गया हमें, वही आसिफ नगर रोड पे जो रही थी बेहतरीन ईरानी चाय पीने, सुबह सुबह कड़क चाय।
सुबह सुबह बोलते नहीं, ये थोड़े लोगों को फूफू होने का रहता था, थोड़े लोगों को चाय होने का रहता, अपने अपने इंजन को फर्स्ट गियर में डालना है। बहुत मजा आया। चलो क्या है, नेक्स्ट देखेंगे। सुबह सुबह चाय पीता, ब्रेकफास्ट करता, अपन मिल्कशेक पी रहे। सुबह सुबह कभी तो भी डेजर्ट की भी क्रेविंग होती है, मिल्कशेक की भी क्रेविंग होती है, इसीलिए मैं क्या हूँ मालूम, काफ़ी एंड मोर पे आ जाता हूँ, क्योंकि अगेन बंजारा हिल्स पे, मेहदीपट्टनम पे थे अपन अब तक, लेकिन अब बंजारा हिल्स पे आ गए। हकीकत की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, 200 रुपये में पड़ा अपने को, बिस्मिल्ला बोलेंगे और पी लेंगे, कहीं को बोले तो बहुत अच्छा रहता। इनका इनकी खासियत मतलब ऑलरेडी हैदराबाद में फेमस है भाई, लोगों को सिर्फ ये नहीं मालूम कि इतनी सुबह भी मिलता, लेट नाइट भी मिलता, लेकिन सुबह भी मिलता। इनकी सॉफ्टी बहुत पसंद मेरे को, अनफॉर्चुनेटली आज मिली नहीं मेरे को, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं दिखाऊंगा, जब तक ये इससे गुजारा करूंगा। ये था अपना फूड टूर, सुबह सुबह क्या खा सकते पी सकते वो कर लिया अपन, अब सोने जाने वाला है। सॉरी मैं भाई, ये देखो मैं सुबह नहीं सोता हूँ, मैं रात में ही सोता हूँ, कभी तो भी ज़्यादातर सुबह में। अरे चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो मेरे भाई, ओ टाटा बाय बाय।